अंग्रेजी हुकूमत की नकेल कसने वाले भारत के अमर क्रांतिकारी और शहीद वतन अशफाक उल्ला खां की जयंती पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीर अहमद शाह जिलानी दरगाह शरीफ के सामुदायिक सभा भवन में आयोजित हुए अशफाक उल्ला खां की जयंती समारोह को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंग्रेजी हुकूमत की नकेल कसने वाले भारत के अमर क्रांतिकारी व शहीद वतन अशफाक उल्ला खां ने अंग्रेजों का प्रतिरोध करते हुए मुल्क का मान सम्मान बढ़ाया। हमें अपने देश के महापुरुषों को आदर्श मानते हुए उनके राष्ट्रीय हितार्थ योगदान को सदैव याद रखने की जरूरत है। वहीं रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की जोड़ी से सीख लेने की जरूरत है। यह बात व्याख्याता यासीन अली ने स्थानीय पीर अहमद शाह जिलानी दरगाह शरीफ के सामुदायिक सभा भवन में आयोजित अशफाक उल्ला खां की जयंती समारोह के दौरान व्यक्त किए। इस अवसर पर मुल्क की तरक्की, गंगा जमुनी तहजीब व आपसी भाईचारे की दुआएं करते हुए शहीद वतन अशफाक उल्ला खां को खैराज ए अकीदत पेश की गई। इस दौरान सोसाइटी के संयोजक अबरार मोहम्मद व सचिव इमरान गौरी ने बताया कि युवाओं व बच्चों को हमारे मुल्क की आज़ादी का महान क्रांतिकारियों व शहीदों की शूरता और वीरता के इतिहास की जानकारी हो, शहीदों के प्रति सम्मान की भावना हो तथा वक्त पड़ने पर मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा हो। इसी उद्देश्य से युवाओं और बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सोसाइटी द्वारा इस तरह के आयोजन समय समय पर किए जा रहे हैं। इस दौरान मौलाना शेर मोहम्मद ने कहा कि इस्लाम मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है। शहीद अशफाक उल्ला खां ने अंग्रेजों की दास्ता से मुल्क की खातिर हंसते हंसते अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिए। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव हारून भाई कोटवाल ने अशफाक उल्ला खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर बताया, जिन्होंने इंसानियत और मुल्क को सर्वोपरि मानते हुए काकोरी कांड को अंजाम दिया और हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। जैसा कि उमाम साहब ने कहा है कि देश से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। अपने को पढ़ाई के साथ साथ में अपने देश के लिए भी कुछ करना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मास्टर रफीक मोहम्मद कोटवाल व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रोशन दीन अबड़ा ने बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन का तब स्कूली छात्र रहे अशफाक उल्ला खां पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह भी आज़ादी के आंदोलन पर कूद पड़े। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी ठाकुर, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकंदी लाल, मनमथनाथ गुप्ता समेत कई क्रांतिकारियों ने काकोरी गांव के नज़दीक सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन को लूट लिया। इतिहास में यह घटना काकोरी ट्रेन डकैती के रूप में जानी जाती है। इस दौरान मौलाना शेर मोहम्मद सहित बालक बालिकाओं ने मुल्क की तरक्की, अमनो अमान, आपसी भाईचारों की दुआई करते हुए अशफाक उल्ला खां की जयंती पर खैराज ए अकीदत पेश की गई। इस दौरान सोसाइटी के ITI के अनुदेशक लियाकत अली, सचिव इमरान खान गौरी, संयुक्त सचिव शौकत शेख, शेर मोहम्मद, हाजी अब्दुल रहमान खिलजी, तौफिक मोहम्मद सहित सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे।